Hello friends, welcome back. This is Saurav once again. I am here. Welcome you in Explore Chemistry channel. Last time we have discussed the atomic size in the classification of elements and periodic properties of elements. So, आज हम फिर से एक मॉड्यूल लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी. आज हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी. तो आयोनाइजेशन एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे. लास्ट टाइम मैं आपको प्रीव्यू दे दूं थोड़ा सा कि आपने जो डिस्कस किया था, हमने एटॉमिक साइज़ के बारे में बात की थी. एटॉमिक साइज़ क्या होता है? एटम का साइज. एटम का साइज़ मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक कितना एवरेज डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं एटॉमिक साइज. तो आज हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बोलते हैं, इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं. तो कोई भी वर्ड लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना. आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो तीनों का मतलब सेम होगा. तो स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्टली हमें पता होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है. देखो, हमारे पास जब भी कोई एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, और उसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है इन पर्टिकुलर शेल्स. तो जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है. तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, या फिर हम इसमें बोलते हैं कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मींस कूलम्ब की फोर्स, कूलम्ब ने ला दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दैट्स व्हाई इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं और कूलम्बियन फोर्स मींस कूलम्ब्स फोर्स भी बोलते हैं. अब न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, विदहेल्ड करके रखता है, अपने साथ खींच के रखता है, सो दैट इलेक्ट्रॉन जो है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिले. सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो किसी पॉजिटिव किसी भी सबस्टांस या किसी भी मटेरियल को एक सर्कुलर मोशन में मूव करने में हेल्प करे, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहा होता है. जो दैट्स व्हाई जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, वो एक्ट करती है सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दैट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर सके. अब क्या होता है, अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अगर मैं इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को किसी भी मीन से तोड़ दूं तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अलग हो जाएगा न्यूक्लियस से. मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है. तो अगर ये न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दूं तो एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से एक्साइटेड होके हायर एनर्जी स्टेट में, या फिर एटम को लीव कर देगा. अगर एटम को लीव कर देगा तो इट मींस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ब्रेक डाउन. मींस अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को, अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एनर्जी लगानी पड़ेगी. एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा वो प्रोटॉन के साथ जो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ देगा और खुद इजेक्ट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा जो एटम के बीच में से. और जो एनर्जी हमने अप्लाई की, कितनी अमाउंट में एनर्जी हमने अप्लाई की, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी. मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए लगाई जाए. मीन्स अगर आपको एटम के बीच में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी. तो एटम के बीच में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया जाए, तो जो एनर्जी हमने लगाई, जो हमने एनर्जी यूज की, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. तो इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता दूं. आयोनाइजेशन एंथैल्पी को ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को ही आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. तो तीनों वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है.
तो जब भी कभी आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए, किसी लूजली बाउंड, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वो निकलेगा जो सबसे लूजली बाउंड होगा। अगर तो टाइटली बाउंड होगा वो बाहर नहीं निकलेगा, अगर लूजली बाउंड है वो वहां से बाहर निकल जाएगा, और जो एटम के बीच में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एटम जो है वो कैटाइन बन जाएगा, जिसको आयंस बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो अगर मैं बात करता हूँ सोडियम की, सोडियम के पास क्या होता है, 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इसके पास 11 प्रोटॉन रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव कम हो गया, इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, आयन बन गया, तो इसी को आयन की फॉर्मेशन हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब हो गया कि मिनिमम अमाउंट कितनी चाहिए एनर्जी की, सो दैट एटम के बीच में से लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंडेड हो गया जो सबसे वीक इलेक्ट्रॉन विद हेल्ड है, जो सबसे वीक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ है, उसको किस तरह से निकाला जाए, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसको डिनोट किया जाता है एच आई के साथ भी, इंथैल्पी को एच से डिनोट करते हैं, आई लिखते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इसको आई ई के साथ भी डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आई ई लिखा होगा एच आई लिखा होगा, तो मीन्स है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया किसी एटम के बीच में से, किसी न्यूट्रल एटम के बीच में से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो वहां पे कितनी एनर्जी लगाई जाएगी, देन इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी हम कैसे निकाल सकते। लेट अस सपोज मेरे पास कोई भी एटम है जिसको मैं एम से डिनोट करता हूं, मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी, तो क्या होगा, एम के बीच में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो एम बन गया एम पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल गया, तो एम एक एटम है उसके बीच में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, मींस एम इज कन्वर्टेड इनटू एम कैटायन, देन जो एनर्जी यहां पे यूटिलाइज हुई इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, कि कितनी एनर्जी चाहिए किसी एटम के बीच में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब इसके यूनिट्स क्या होते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स, अब इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा पोटेंशियल के यूनिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी या फिर किलो कैलोरी पर मोल, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो मोस्टली यूज होते हैं, तो आपको इसी को याद रखना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूज है यूनिट्स हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एक्वायर, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए थी अगर उसको निकालना है जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट। मींस आप इसकी एक और डेफिनेशन में बता देता हूं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू, मींस अगर एक न्यूट्रल एटम है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे मेरे पास कोई भी एटम है, लेट अस सपोज मेरे पास एक एटम है न्यूट्रल है, मींस इसके बीच में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, इसके बीच में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी यूटिलाइज हुई उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसके बीच में क्या हुआ, अब ये कैटाइन में कन्वर्ट हो गया, अब ये कैटाइन में, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अब मेरे को दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, वहां पे जो एनर्जी यूटिलाइज होगी उसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। लेट अस सपोज मेरे पास सोडियम एटम है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करता हूं तो क्या होता है, सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम पॉजिटिव का मतलब इसके पास 11 प्रोटॉन तो हैं बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, तो ये इसको बोलेंगे कैटाइन। अब इस कैटाइन में से मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो वहां पे जो एनर्जी यूटिलाइज होगी उसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, उसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सोडियम के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +2, तो इलेक्ट्रॉन कितने निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, मींस एक फर्स्ट स्टेप में निकल गया, दूसरा सेकंड स्टेप में निकल गया, देन इट इज कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन। ऐसे ही
अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने जाते हो तो एनर्जी जो होगी वो उसको बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन आपको एक चीज दिमाग में रखनी है हमेशा कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो हमेशा कम होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू सेकेंड एज कंपेयर टू थर्ड। तो ऐसा क्यों होता है, देखो लेट अस सपोज मेरे पास सोडियम था, चलो मैग्नीशियम की बात करते हैं क्योंकि एक एग्जाम्पल बार बार नहीं करेंगे। मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में और 12 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले क्या था, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी था, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके बाद क्या हो गया, 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि अब जो 12 प्रोटॉन्स हैं उनको सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। मींस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा एज कंपेयर टू सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना। उसके बाद अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं इसको एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ, आपको डेली लाइफ में एग्जाम्पल देता हूँ सो दैट आपको याद रहेगा। लेट अस सपोज मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, अगर 50 में से 3 बच्चे 4 बच्चे नहीं आते हैं तो मुझे शायद पता ना चले, 50 बच्चों में से अगर 3-4 बच्चे नहीं क्लास में प्रेजेंट हैं तो मुझे पता नहीं चलेगा, बिकॉज मेरा जो फोकस है वो 50 बच्चों पे था, उसके बीच में से इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। लेकिन अगर 50 में से 20 बच्चे नहीं आते हैं क्लास में तो मेरा जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन 30 स्टूडेंट्स, दैट विल बी ऑन 30 स्टूडेंट। अब उन 30 में से अगर किसी कोई बाहर जाता है तो मुझे पता चल जाएगा। सेम इज द केस, अगर एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो अगर वो बाहर निकलेगा तो वहां पे एनर्जी कम चाहिए, लेकिन अगर उसके बीच में इलेक्ट्रॉन का काउंट कम होता जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेट अस सपोज मेरी क्लास में 5 बच्चे हैं, उनमें से एक को बाहर जाना है तो वो नहीं जा पाएगा बिकॉज मैंने उसको हेल्ड करके रखा होगा। लेकिन अगर 50 होंगे मैं उनके ऊपर 50 को पकड़ के नहीं रख सकता। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी कि कितनी एनर्जी चाहिए किसी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी किसी यूनिवेलेंट कैटायन के लिए, यूनिवेलेंट कैटायन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है कितनी एनर्जी चाहिए उसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर थर्ड में से निकालना है एंड सो ऑन सक्सेसिव, इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव का मतलब है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है वहां पे जो एनर्जी यूटिलाइज होगी दैट विल बी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी यूज करते हो दैट विल बी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर आप थर्ड को निकालने जाते हो देन इट इज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कहता था रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम गिव्स डबली पॉजिटिव। जैसे मैग्नीशियम की एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो बन जाएगा Mg पॉजिटिव, अगर इसके बीच में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव। तो कहने का मतलब हुआ अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 पॉजिटिव, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते 2 पॉजिटिव, ऐसे ही 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 3 पॉजिटिव। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे तो एटम जो इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज स्ट्रांग, दैट इज टाइटली बॉन्डेड बाय द न्यूक्लियस, दैट इज टाइटली बॉन्डेड बाय द न्यूक्लियस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन बीच में से निकलते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर सेम है, प्रोटॉन का नंबर सेम है। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ प्रोटॉन 12 है, अगर मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन थे तो 12 प्रोटॉन को 12 इलेक्ट्रॉन खींच 12 इलेक्ट्रॉन को 12 प्रोटॉन खींच रहे थे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। लेकिन Mg पॉजिटिव में क्या हुआ, 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि अब प्रोटॉन को कम इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, टाइटली बॉन्डेड हो जाएंगे। दिस इज द कंसेप्ट। अब बोलता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी लगानी पड़ेगी, किस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला न्यूक्लियर चार्ज, नेक्स्ट वन एटॉमिक साइज, थर्ड वन पेनिट्रेशन इफेक्ट, फोर्थ वन स्क्रीनिंग इफेक्ट, फिफ्थ वन
स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी समझना है, आपको एटॉमिक साइज के बारे में पता होना चाहिए। अगर एटॉमिक साइज आपको आता है, आई एम 100% श्योर आपको बाकी वाली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं एटॉमिक साइज पे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज की। तो कहता है न्यूक्लियर चार्ज, अब देखो मेरे पास दो एटम हैं, एक में न्यूक्लियर चार्ज लेट अस सपोज 10 है, दूसरे में न्यूक्लियर चार्ज लेट अस 11 है। अब जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को इतना टाइटली पकड़ के रखेगा, बिकॉज कूलम बोलता है फोर्स इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है, यहां पे 11। अगर 11 प्रोटॉन है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो एनर्जी को ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो मींस न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। क्यों? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की जो होल्डिंग कैपेसिटी है, जो टाइटली हेल्ड हो जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मींस अगर मैं बात करता हूं दो एटम्स की, उनमें जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब हमें पता है जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, मींस एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जैसे मैं बात करूं लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, यहां पे न्यूक्लियर चार्ज 3 है, यहां पे 4, 5, 6, 7। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इनके बीच में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू लिथियम एंड बेरिलियम में से। तो कहने की बात यह है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। सेकेंड वन इज एटॉमिक साइज। तो पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। मैं दो एटम ले रहा हूं, एक में साइज छोटा ले रहा हूं, दूसरे में साइज बड़ा ले रहा हूं। अगर साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम होगा। अगर साइज छोटा होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम होगा, और अगर साइज बड़ा होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? साइज का मतलब हो गया न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम है तो कूलम बोलता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगी। अगर फोर्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, और अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा। तो मैं आपको यहां से एक सिंपल सी एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे यहां से हमें कंक्लूजन मिल गया आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मीन्स अगर साइज बड़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए होगी, और अगर साइज छोटा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, अगर मेरी क्लास छोटी होगी, अगर मेरी क्लास छोटी है तो हर एक बच्चे पे मेरी नजर रहेगी। जैसे हम स्कूल में देखते हैं, ट्यूशंस पे देखते हैं क्या होता है, क्लासेस छोटी होती हैं तो वहां पे हर एक बच्चे पे फोकस करना इजी होता है। लेकिन हम जब कॉलेजेस में जाते हैं तो क्लासेस का साइज बढ़ जाता है, तो जो टीचर से लेकर लास्ट स्टूडेंट तक जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। तो वहां पे साइज जो है वो बढ़ गया, इसलिए वहां से जो, अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का साइज जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर क्लास का साइज बड़ा होगा तो लास्ट वाले बच्चा जो क्लास में बैठा हुआ है वो वहां से खिसक सकता है, निकल सकता है बाहर। थर्ड वन इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब हो गया कि कौन सा ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के क्लोज है, कौन सा जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के क्लोज। अब हमने जब क्वांटम नंबर पढ़े वहां से हमें ये हिंट मिला, एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होते हैं,
पी ऑर्बिटल उससे दूर होते हैं, डी उससे दूर होते हैं और एफ सबसे दूर होते हैं. इज दैट क्लियर? कि एस ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होते हैं, पी ऑर्बिटल थोड़ी दूरी पे होते हैं, जो डी होते हैं उससे दूरी और एफ सबसे दूर होते हैं. तो कहने का मतलब हो गया अगर इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में प्रेजेंट है तो वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ज्यादा होगी, वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी. पी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, डी में उससे कम होगी और एफ में बिल्कुल कम होगी. तो कहने का मतलब है एस इलेक्ट्रॉन की जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो ज्यादा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो हाई होगी. मींस जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज है वहां से उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना डिफिकल्ट होगा. अगर वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी. और अगर एफ की बात करें, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, तो एनर्जी जो है वो कम चाहिए, तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी. तो पेनिट्रेशन इफेक्ट में अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, एस ऑर्बिटल की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा होती है, पी ऑर्बिटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, डी की उससे कम होती है, एफ की सबसे कम होती है. तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला ऑर्डर किस तरह से है. नेक्स्ट वन इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम इज लोअर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम. ऐसा क्यों होता है? कहता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है उसकी एल्युमिनियम में से और मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो अलग अलग क्यों है? अब एल्युमिनियम के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, दैट इज आउटरमोस्ट 3s2 3p1, मैग्नीशियम की बात करें 3s2, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन निकालना है दैट इज 3s में से निकालना, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो 3p में निकालना है. अभी मैंने आपको बताया p ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होता है, तो न्यूक्लियस से दूर हुआ तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा, तो कम आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए. और अगर s में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, s ऑर्बिटल जो होता है न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है तो ये टाइटली हेल्ड होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो यहां पे जो एनर्जी चाहिए होगी दैट इज हाई. तो आयोनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम में फर्स्ट, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की. अगर एल्युमिनियम से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें वो कम होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम. नेक्स्ट वन इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. देखो अब क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब शील्ड क्या होता है, बीच में रुकावट लाना. अगर ये न्यूक्लियस है और ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट कर रहा है. अब ये जो है कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इनर इलेक्ट्रॉन्स. अगर इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी, अगर इनर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी. तो कहने का मतलब है ग्रेटर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेटर विल बी द शील्डिंग. जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, दिस इज द क्लास टीचर एंड दिस इज द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच. अगर उसके बीच में स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो टीचर का जो फोकस होगा लास्ट बच्चे पे वो कम होगा, लेकिन अगर सेंटर में बच्चे कम हैं तो टीचर का जो फोकस होगा लास्ट तक दैट इज हाई. तो सेम इज द केस, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में बढ़ जाते हैं, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो स्क्रीनिंग बढ़ जाएगी. स्क्रीनिंग बढ़ने से क्या होगा कि जो प्रोटॉन है वो फोर्स एग्जर्ट नहीं कर पाएगा जितनी करनी चाहिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, और अगर फोर्स एग्जर्ट नहीं कर पाएगा तो ये लूजली बाउंड हो जाएगा, इसको निकालना ईजी हो जाएगा. इसलिए जो अगर इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उसकी वजह से स्क्रीनिंग बढ़ेगी, अगर स्क्रीनिंग बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी. तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन. अगर इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी. तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर इनर इलेक्ट्रॉन कम बढ़ जाते हैं तो कम हो जाएगी, अगर कम हो जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी. तो दिस इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रोल है, क्या फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देखो अगर मैं आपको दो वर्ड में इसका मीनिंग बता दूंगा, अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, स्टेबल का मतलब हो गया जहां तो वो हाफ फिल है या फुली फिल है. अगर हाफ फिल या फुली फिल है तो वो स्टेबल होगा, उसके बीच में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबलाइज है. उसके बीच में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो फर्स्टली उसको अनस्टेबल करना पड़ेगा, देन वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा. तो कहने का मतलब है कि वो एटम्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो
हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है, मीन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं होता, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। निकल जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उसको एनर्जी जो है आपको ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू पार्शली फिल्ड वालों में से। अब बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी कैसे करती है। अब जो ये सारा मटेरियल लिखा है इसको मैं आपको सीधा ट्यूबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूंगा पीरियोडिक टेबल में। अब मैं आपको, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एटॉमिक साइज के बारे में, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बिकॉज अगर मैं बात करूं लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज 3 है, बेरिलियम का 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो जब हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं तो साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर मैं बोल रहा हूँ साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, तो हमने ये भी पढ़ा आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मींस अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। मींस अगर साइज छोटा होता जा रहा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पास पास आ रहे हैं, अगर वो पास आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी व्हेन द साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। तो इसका कहने का मतलब हुआ जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होगा, साइज जो है वो डिक्रीज होगा। लेकिन एक्सेप्शन यहां पे क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है लेकिन जब कार्बन के बाद हम नाइट्रोजन में जाते हैं साइज तो डिक्रीज हो रहा है नो डाउट, बट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज हाईली स्टेबल, दैट इज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं इसलिए स्टेबल होती है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक इसकी पूरे पीरियड में जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो नेक्स्ट इज वेरिएशन अलोंग द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तब क्या होगा, जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो साइज बढ़ता जा रहा है, अगर साइज बढ़ता जा रहा है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो साइज बढ़ता जा रहा है ऑब्वियसली आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। तो इन शॉर्ट में आपको ये एक ही आपको याद रखना है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अलोंग द पीरियड जब मूव करते हैं तो साइज जो है वो डिक्रीज होता है, अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ अलोंग द ग्रुप तो साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इजी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो गया तो वहां से जो है वो आप आयोनाइजेशन एनर्जी कम को भी यूज कर सकते हो। तो ये था आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स क्या हैं और इसके बारे में जो वेरिएशन है पीरियोडिक टेबल में वो किस तरह से है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको कोई वीडियो में कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जहां आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, जहां फिर आप मेरे को यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को क्लियर करूंगा। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है किसी भी वीडियो से रिलेटेड आप उसके कमेंट सेक्शन में लिख दें, तो सो दैट मैं आपकी क्वेरी को क्लियर कर सकूँ। आई होप यहाँ तक इनफ होगा, 11th क्लास के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी इतना बहुत है, उसमें सिर्फ आपके सिलेबस में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं और वेरिएशन है, तो एक्सेप्शंस के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। बाकी आपको जो डिटेल में है दैट इज़ इन हायर एजुकेशन, दैट इज़ इन कॉलेज लेवल और पीजी लेवल, तो आपके लिए ये काफ़ी होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।